से लौंगे वाला में ना भाई यही वाली गाड़ी सही थी, ये निशान की कार थी। ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, ये है एक्चुअली मैग्नेटिक के लिए चुंबक है इसके अंदर, मतलब थोड़ा नेचुरली सा है भाई। फील से जो आ रही है, मैं इस तरह झुकाऊँ गाड़ी और इस तरह झुकाऊँ तो इस तरफ इतना ही आ रहा है, बट इस तरफ बहुत फील से आ रहा है, मतलब एक फील है इस तरफ भी मैग्नेट है। भाई गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही क्या? नहीं नहीं, अरे सही है यार, बैठ तो पीछे, अभी गियर भी पड़ रहे हैं। मैं पगल उठा क्यों, चलेगा? नहीं नहीं, नीचे उतर के ना। अच्छा ये बताओ कहाँ तक जा रही है गाड़ी तुम्हारी, ये बताओ? ये जा रही है पूरी जहन्नम तक। अच्छा डीजल डीजल भरा है, डीजल की पेट्रोल है? हवा का इंजन है। नहीं पीछे क्या भरा हुआ टंकी में? पीछे मौत का सजा है। अरे डीजल पेट्रोल तो बताओ यार, हमें थोड़ा डलवाना है भैया। सही में झांकने का क्या, मतलब थोड़ा डीजल मिल जाए तो फायदा हो जाए। चोरी क्या भैया, आग जब लगी होगी तो पूरा जलते टाइम सब कुछ खत्म हो गया होगा। जल्दी चलो बैठना इसको, बड़ा हाँ हाँ। अरे जल्दी बनाओ यार, पिछले दिन तुमने कल कार बनाई थी, आज इसको बना दो। तो ये चल रही है, तुम्हें क्या पता, खाली आगे शीशे ही तो नहीं है। इंजन का इंजन है, इंजन लगा हुआ है सही में? हाँ यार इंजन लगा तो हुआ है यार, ये सही मजाक है यार, हम लोग चलते फिरते चीजें मजाक उड़ते हैं, क्यों विष्णु? तो गाइस अपन लोग यार कम से कम 30 किलोमीटर आगे ट्रैवल कर चुके हैं, हम लोग काफी देर से वेट कर रहे थे, हर्ष अभी आया है जस्ट पीछे पीछे, एंड लवी भैया ऊपर निकल गए हैं जैसे देख रहे हो भाई, ये लोग मोनेस्ट्री घूमने गए हुए हैं ऊपर, एंड गाड़ी चलाकर आ गए अपन लोग काफी दूर तक, 30 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, जहाँ पर हम लोग नहीं जहाँ से हम लोग सो रहे थे ना उसके आगे हम लोग कम से कम भैया कितना चल चुके होंगे, जहाँ हम सोए थे आराम से 50-60 तो हो ही गया होगा है ना, 50-60 किलोमीटर वहाँ से निकल चुके हम लोग, और अभी भी निकलते जा रहे हैं, एक अच्छी रिदमिक स्पीड बना के रखी हुई है, एंड बीच में आर्मी वाले जो शॉर्ट्स आए ना बहुत सुंदर, मजा आ गया, वो सब इंस्टाग्राम में आने वाले हैं, होपफुली यूट्यूब पर भी आ जाएंगे भाई। प्लीज़ मेक श्योर यार सपोर्ट करो, दबा के सपोर्ट करो यार, बहुत मेहनत लग रही है यार बहुत ज़्यादा। क्यों हर्ष? हर्ष का थोड़ा मूड ऑफ है, थोड़ा देखो यार फैमिली इशूज़ हर जगह होते हैं, बट थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है। चलो उन सब बातों को हटा के हम लोग यहाँ अपनी एक फैमिली है, यहाँ पे हम लोग एक दूसरे का मूड ठीक कर देते हैं, या कभी कभी ख़राब भी कर देते हैं, मतलब जिसका ज़्यादा अच्छा दिख जाए ना उसका मूड ज़रूर ख़राब करना होता है, मतलब मीडियम रहो यार, ज़्यादा अच्छा तो गलत, ज़्यादा बुरा तो गलत। बस थोड़ी देर और वेट करते हैं, लवी भैया लोग ऊपर मोनेस्ट्री घूम कर आते हैं, क्योंकि मैं ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि मोनेस्ट्री अभी बहुत सारी हैं, ठीक है अभी बहुत सारी मोनेस्ट्रीज देखने को हम लोग को मिलने वाली, तो ठीक है हम लोग आगे जो मिलेगी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो सब दिखाएंगे, बाकी अपने शांति के लिए खुद भी घूम लेंगे, एंड वेट करते थोड़ी देर जब भैया आते फिर निकलते हैं ऐसे, देखते हैं अभी आगे हम लोगों का क्या प्लान है। क्या मत्था टेकना यहाँ बहुत अच्छा होता है, राइड अच्छी जाती है कहते सब, ये सच बात है गाइस, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक एक बार जब मत्था नहीं टेका तो दिक्कत है, और जब से हम सुबह से मत्था टेक कर आ गए वहाँ पे मोनेस्ट्री के सामने तब से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मक्खन चल रही है राइड, ये एक्चुअल बात है। ये मूनलैंड एरिया है, मतलब यहाँ की जो जमीन है बिल्कुल मून की तरह है, देखने में ही लग रही, समझ में नहीं बताया अभी तक। एक्चुअली क्या रहा है ना भैया, उन्होंने मुझे बताया था यहाँ पे जो मोनेस्ट्री सबसे ऊपर बनी है वहाँ जाके अगर अपना मत्था टेकते हो सब अच्छा ही होता है, कहा जाता है यहाँ पे। हम लोग यहाँ तक आए तो बाबा ने तो बुलाया है, क्यों? सही बात है। चलो गैस थोड़ी देर और वेट करते हैं भाई लोग आने का, इसके बाद निकलते हैं भाई मजे से। ये देखो ये मूनलैंड है, ठीक है तो ये येलो मिट्टी है, और उधर भाई थैनोस की धरती है, तो वो पूरा पर्पल कलर का दिख रहा है गाइस, चेक दिस आउट, पर्पल कलर का पहाड़ है वो, ये सही है, मतलब इधर हम मूनलैंड भी आ गए, थैनोस लैंड भी घूम लिए, अभी हम लोग आगे पता नहीं किस किस का लैंड घूमेंगे। ये एक फ्लाई पुल आया भाई, यहाँ पे जितने पुल है ना भाई, एक चीज नोटिस किया भाई, हर जगह पे पताकाएं लगा रखी हैं दोनों एंडिंग पॉइंट में, एंड बहुत बार ये भी होता है कि अगल बगल भी लगा के रखा हुआ है, तो बड़ा अच्छा सा लगता है देखने में, सुंदर सुशील सा। तो गाइस ये भी एक टूरिंग प्लेस है, यहाँ पे लोग लेकर आते हैं अपनी क्वाड बाइक्स, एंड अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं भाई ये है, आई गेस ये मैग्नेटिक हिल है ना, राइट वेट लेट मी चेक इट, और एक बार पूछ लो लोगों से। आई एम स्टिल नॉट श्योर। लव भैया मैग्नेटिक हिल यही है ना? हाँ। लिखा नहीं हुआ, वो लिखा रहता था जो पीछे लिखा तो है बोर्ड पर, पढ़ नहीं पाया। तो हम लोग गाइस ये हम लोग अभी फिलहाल है मैग्नेटिक हिल में गाइस, वैसे अगर देखा मैग्नेटिक हिल में तो भाई हम लोगों को चढ़ने में आसानी होगी मेरी गाड़ी को।
ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, ये है एक्चुअल में मैग्नेटिक के लिए, चुंबक है इसके अंदर, मतलब थोड़ा नेचुरली सा है भाई, एक फील से तो आ रही है। अगर मैं इस तरफ झुकाऊं गाड़ी और इस तरफ झुकाऊं तो इस तरफ इतना ही आ रहा है, बट इस तरफ बहुत स्पीड से आ रहा है, मतलब एक फील है इस तरफ की मैग्नेट है। तो गाइस हम लोग मैग्नेटिक हिल को छोड़ के जा रहे हैं। वैसे मेरे को एक चीज अजीब लगी भाई, इस तरफ ढलान है, शायद इस वजह से उसको मैग्नेटिक हिल बोलते हैं, क्योंकि ढलान के साइड है तो गाड़ी आगे बढ़ रही है, क्योंकि अगर इस साइड बढ़ रही होती तो बात अलग होती। आई डोंट नो क्या इसका क्या मिस्टीरियस चीज है, क्या चीज, आई डोंट नो भाई, किसने को ट्राई किया तो बताना। वहां पर हमारी कार आगे निकल गई तो हम क्या ही ट्राई करते, लेकिन आते वक्त देखो शायद अगर इस रास्ते से आए तो जरूर से एक बार ट्राई करेंगे। बट गाड़ी को दिक्कत हो रही है यार, ये तो छोटा सा हिल है लेकिन इसमें चढ़ने में इसको दिक्कत हो रही है। तो हाँ, मैग्नेटिक पावर्स तो हैं, ये चीज़ तो मैं प्रूफ से है कह सकता हूँ, हाँ है भाई, क्योंकि भाई इतनी चढ़ान से तो मैं नॉर्मली निकाल चुका हूँ गाड़ी, तब तो नहीं इतनी दिक्कत दे रही थी, लेकिन यहाँ इसे चढ़ने में दिक्कत दी। तो हाँ, कुछ पावर्स हैं जो खींच रही है, वो मैग्नेटिक हो सकते हैं, लोहे को वही खींचेगा। लेकिन एक चीज़ तो है गाइस, यहाँ पे गाड़ी चढ़ने में दम खा रही है। अभी हम लोग वहाँ नीचे थे, याद दिख रहे हो ना गाइस, वहाँ से घूमते घूमते हम लोग ऊपर आए हैं, वहीं पर से हम लोग, वो आर्मी बेस कैंप दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है ना गाइस। और यहाँ पे पेट्रोल है, प्रतिबंधित क्षेत्र, हाँ मे भी पेट्रोल वालों का कुछ होगा। भाई साहब क्या ही जगह है यार, मजा आ गया भाई यहाँ पर घूमने पे। हाँ अब मैग्नेट का भी लगता है सर कम खत्म हो गया, तो भाई अब भग रही है, अब ठीक हो गई। एक वो अपने आप फील आने लगता है ना गाड़ी में कि हाँ यार ताकत खा रही है, बढ़ तो रही है, उसी स्पीड में बढ़ रही है, लेकिन एक उसको इंजन के अंदर एक बेसी फील देखो जैसे दब रही है, वो फील आने लगती है। वैसी चीज मेरे को लगने लगा था कि वहाँ पे कुछ है। थर्ड गियर में देखो, अब यहाँ पे भी चढ़ाई तो है, अभी देखना इसमें मैं चढ़ाऊंगा, चढ़ रही बराबर, ये देखो बराबर चढ़ रही है, वहाँ पे दिक्कत खा रही थी गाड़ी, देखा गाइस प्रूफ है मेरे पास। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा भाई, जो कि बहुत फेमस है, यहाँ पे बोला जाता है कि हमेशा मत्था टेक के जाया जाता है, वरना अगर आपकी आगे आप ऐसे बिना इसके राइड करोगे तो राइड अच्छी नहीं जाती है। तो चलो गाइस यहाँ पे चलते हैं पत्थर साहिब में भाई, मत्था टेक कर आते हैं अपने बाबा जी के द्वार पे, एंड बाइक्स पार्क करते हैं एक जगह सही लगे लगा के। मुझे लगता है कि ये लोग यहीं कहीं रुके हैं, कार शायद यहीं कहीं आ गई, आई डोंट नो कहाँ पे खड़ी, दिख तो नहीं रही मेरे को, बट लगानी तो पड़ेगी गाइस। अब कहाँ खड़ी की वो भी नहीं दिख रहे, रुको एक बार इनको कॉल करता हूँ सही जगह रुक के, फिर गाड़ी को पार्क करते हैं, इसके बाद मत्था टेक कराते हैं गाइस। गरम 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 करके सब जा रहे हैं, पता नहीं क्यों वहाँ जाके बैठ जाने लगे। ये कौन सी यूनिट ने क्या बनवाया सब कुछ में लिखा हुआ है। प्रेजेंटेड बाय सीईओ ऑफ ऑल रैंक 202 रॉकेट रेजिमेंट कारगिल, लुक एट दिस। गाइस अब यहाँ से आगे जाने पे अपन लोगों को यहाँ पे सर हाथ एंड पैर धुलने का मौका मिलेगा। भाई अपना हाथ पैर धुलो भाई, बिल्कुल फ्रेश होके चलो, मत दो मत ये पकड़ ले तुम अपना सर, पहले पहले तुमने धुल ले। पैर धुलने के बाद अपन लोग आगे जाएंगे, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज प्रोहिबिटेड, तो अब अपना कैमरा यहाँ से हम कर देंगे ऑफ एंड आगे दर्शन करके आते हैं, ठीक है गाइस। अब जब यहाँ पर आओगे ना तभी देखना, ओके गाइस। भाई पत्थर साहिब के दर्शन करने के बाद अब टाइम हो गया अपन लोगों चलने का भैया, पानी पीने का किधर पीने का पानी, पीने का पानी वो ड्रिंकिंग वाटर सामने रहा, गिलास ले लो भाई, थक गए हम लोग इतना चला गाड़ी चला चला के। भैया प्लीज मेरे लिए भी ले आना, उलझन हो रही है, अब मन नहीं कर रहा गाड़ी चलाने का, इतनी तीखी धूप है ना, सुबह का टाइम मौसम सर्दी होता है ना तो लगता है हल्की हल्की धूप है, लेकिन जहाँ 10 बजते हैं ना 10-11 बजे बाद ऐसी तीखी धूप चुभने वाली धूप लगने लगती है ना, फिर लगता है कि रहने दो यार अब गाड़ी में से ले जा रही आओ यार। गरुड जल सेवा फॉर गार्डन्स ऑफ द नेशन। तो गाइस हमने पत्थर साहिब के दर्शन कर लिए, अब आगे चलने का टाइम हो गया है। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई ये वीडियो एक ही पार्ट में चल रही है दूसरे पार्ट में आ रही है, बट आप देखते रहो यार। अरे अरे यार इसके तार का बड़ा दिक्कत है यार।
चलो गाइस आगे चलते हैं भाई। यहाँ आर्मी की तरफ से भाई है, पत्थर साहब गुरुद्वारा को पूरा संभाला जाता है भाई, डोनेशंस वहीं पे वहीं से आती ज़्यादातर। एंड मुझे लगता है भाई यहाँ आगे शायद से एयरपोर्ट आगे पे, क्योंकि यहाँ से जो फाइटर प्लेन्स हैं MiG-29 वो ऊपर से बार बार जा रहे हैं, तो भाई देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं, क्योंकि MiG-29 उधमपुर में भी थे तो देखे हैं कभी कभार, पठानकोट में करते थे तो बचपन याद आ जाता है। तो और ये बाउंड्री भी लगा है, तो मे बी ये एयरफोर्स का ज़मीन है, वो तो आगे जाके पता चलेगा भाई एयरफोर्स है कि नहीं है। ऐसे कुछ कहा नहीं आ सकता, बट आगे चलते हैं पता चल जाएगा बॉयज। होपफुली अगर ऐसा होगा ना एयरपोर्ट तो वहाँ पे बैठ के देखेंगे भाई। मैंने उतरते हुए सर बचपन में एक दो बार देखा, क्योंकि भाई वो एरिया क्लोज रहता था, भले ही हम ऊपर से उड़ता हुआ दिख रहे हैं लेकिन जहाँ एयरपोर्ट होता था लैंडिंग होती थी वो सब हम कभी नहीं देख पाए बचपन में भी। तो देखते हैं भाई यार ये बाइक मस्त है यार, ATV स्क्वाड बाइक बोलो या ATV बोलो, ATV मतलब ऑल टेरेन व्हीकल्स, ATV नहीं से क्वाड बाइक बोलेंगे, ATV थोड़ा बड़ा टाइप का होता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा बड़ा, ये क्वाड बाइक है, छोटा सा बाइक होता है, मैं बुर करके भगाते रहूँ। नहीं गाइस ये आर्मी का ज़मीन है, चलो आगे चलते हैं देखते हैं, अगर एयरपोर्ट दिखा तो आपको भी दिखाते हैं हवाई जहाज। देखो वो सामने जगह ज़मीन खाली सी पड़ी और सामने एक प्लेन ऐसे गोल सा घूम रहा है, अगर आप देख पा रहे हो ना ब्लैक ब्लैक से जा रही चीज़, वो शायद पहाड़ों के पीछे, नहीं 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 इधर मुड़ रहा है ये, हाँ इसी साइड मुड़ रहा है ये, दिख रहा है मेरे को इधर कहीं एयरपोर्ट है, मे बी 100% श्योर इधर कहीं एयरपोर्ट है। कहाँ गायब हो गया प्लेन, अभी तो दिख रहा था गाइस मेरे को प्लेन, हाँ वो रहा दिख गया, एयरपोर्ट इधर ही कहीं है शायद से जितना मेरा अंदाज़ा कह रहा है। और ये पहाड़ जितना है ना ये बहुत दूर है, क्योंकि प्लेन इतना छोटा नाटा सा दिख रहा है, डॉट सा, अब गायब भी हो गया वो, फिर अब उधर आया, एयरपोर्ट दिख नहीं रहा वैसे, होना तो यहीं कहीं चाहिए गाइस, नज़रें भी ढूंढ रही मेरी। अब मैं बिल्कुल अब ऐसे ही चल रहा हूँ, बिल्कुल आराम से रिलैक्स कर रहा हूँ, थोड़ा थक गया हूँ भाई। और ये देखो एक ये भी आया, तो एयरपोर्ट इस साइड है कहीं पे, ट्रस्ट में गाइस एयरपोर्ट इधर टेक ऑफ कर रहे हैं, इधर गोल घूम के उधर कहीं जा रहे हैं, एयरपोर्ट इधर कहीं है, देखते हैं गाइस फाइटर पे। देखो गाइस जा रहा है एक प्लेन MiG-29, क्या ही सुंदर लग रहा है यार, बस एक वो जोरदार जो आवाज़ आती है ना प्लेन की, वो आवाज़ आ जाए ना तो मज़ा आ जाए, मैं उस आवाज़ के लिए बहुत तरसता हूँ भाई। आ गई हल्की हल्की आवाज़ आई है तो, लेकिन जब वो फ्लाई पास करता है ना बहुत लोअर लेवल से, तब मज़ा आता है देखने में। एयरफोर्स बेस उधर कहीं छुपा हुआ अंदर साइड पे, गाइस मेरे को दिख गया है वो सामने ही एयरपोर्ट है, वो उधर दूर आगे, ये खाली ज़मीन है ना उधर आगे सामने है एयरपोर्ट, अब कैमरे में नहीं दिखेगा बट मेरे को दिख रहा है एयरपोर्ट। बट क्या ही मस्त नज़ारा है भाई, ऐसा लग रहा है ना मैं आसमान से ज़मीन की तरफ जा रहा हूँ, ये एक रोड है जो ज़मीन की तरफ मुझे आसमान से लेके जा रही है, और एयरपोर्ट उधर है सामने, क्योंकि अभी मेरे को वहाँ प्लेन एक लैंड होता दिखा है, तो डैम श्योर उधर ही है जगह एयरपोर्ट की। एंड यहीं कहीं मुल्तानी मिट्टी का एक पहाड़ है, तो भाई मेरे को 1 किलो मिट्टी चाहिए जो मैं लेकर जाऊँगा यहाँ से। एंड आई एम मुझे लग रहा है कि भाई वही है शायद से ले सिटी, यहाँ फिर अभी थोड़ा और आगे होगा पता नहीं यार, कुछ कह नहीं सकते, वहीं चल के पास चलेगा। तो गाइस ये रहा सामने एयरपोर्ट, एंड यहाँ पे हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है एक MiG-17 V4, उसके आगे एक खड़ा है जैगुआर है कोई और सा है, नहीं MiG-23 है ये MiG-17 V4, अभी भी यूज़ होता है, एंड ये तो रिटायर हो चुका है यार, देख कर चलना चाहिए था यार, कोई प्लेन टेक ऑफ कर रहा हो देखते भाई बैठ के, लेकिन अभी रन भी खाली दिख रहा है। तो ये लोग यहाँ पहुँच गए भाई, यहाँ पर आर्मी के गाड़ियाँ सब कुछ खड़ी हुई हैं, हो जवान लोग, आर्मर्ड व्हीकल। वैसे लॉन्गे वाला में ना भाई यही वाली गाड़ी यूज हुई थी, ये निसान की कार थी, नाम दिमाग से निकल गया, अभी कुछ दिन पहले पापा साहब बैठा था बात यही कर रहा था, यही कार थी। मिनी ऑटो लोग अंदर जा रहे हैं हॉल ऑफ फेम में, आज दोनों के अंदर कैमरा अलाउड है कि नहीं अलाउड, अगर होगा तो दिखा देंगे, नहीं तो फिर हम लोग चाहे देख कर रहते हैं क्या है, बाहर आके बता देंगे। तो भाई हम लोगों के पास एक ऐसा गार्डन है, हमको फ्री एंट्री मिली भाई, एंड बाकी लोग अभी बाहर है कोई नहीं, हम उसको साथ उनके साथ अपना डेटा शेयर कर देंगे। बाकी यहाँ पे लद्दाख के बारे में, लेह के बारे में काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लद्दाख कल्चर सब कुछ दिया हुआ, चलो आपको दिखाते हैं।
आप पॉज कर लो एक बार, पढ़ लेना, देख लेना, ओके। वरना मैं एक चीज बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। एंड दिस इज AK-47 कैप्चर्ड बाय इंडियन आर्मी ड्यूरिंग करगिल वॉर। ये पाकिस्तानी हुई थी, ओरिजिनल है वो चीज उस टाइम की जो वो लोग यूज कर रहे थे फ्रॉम फोर करगिल वॉर का टाइम। ये भी पकड़ी गई थी, पाकिस्तान के पास थी ये चीज। करगिल वॉर के टाइम पकड़ा गया था, सब चीजें इनके पास थी। गाइस ये कुछ इक्विपमेंट्स जो अपनी आर्मी यूज करती है, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें रखी हुई, ये हॉर्न्स। बाकी आप लोग एक चीज पॉज करके देख सकते हो। यार अपने दिन याद आ रहे ट्रेनिंग के, हाउस जो साई से बोले वाले। भाई साहब सच बोला, लोग ऐसी जगह पर आ गए ना, अब अंदर से वो फील आ रही जैसे हम लोग अपने ट्रेनिंग वाले दिन पर आ गए हैं। सो लेट्स गो, सब कुछ देखते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। ट्रेनिंग चल रही इधर, ऐसे हम लोग अभी दिन थे, कभी है कभी हम लोग भी ट्रेन करते थे। ये सब करके 1971-1962 ये सब की वॉर की सब तस्वीर आप देख सकते हैं। थैंक यू। ये सब गन्स हम लोग देख चुके हैं, क्यों? ये छोटे वाले मोटार्स, ये जो बीच में जो आगे गन रखी है ना, ये हम लोगों ने चलाई है जो सेकंड में और फर्स्ट में, ये 303 है। एंड बाकी सब हिस्ट्रीज ऑफ सम फेमस सोल्जर्स। तो यह है शौर्य स्थल, यहाँ पे सेमेट्री बना के रखी लोगों के नाम जो शहीद हुए थे अलग अलग मिशन अलग अलग जगह पर। एंड बस इतनी ही चीज़ें थी यहाँ दिखाने लायक, बाकी और तो मैं कुछ दिखा नहीं। ठीक है भाई, हम लोगों के लिए तो फ्री था भाई, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट घूम कर आ गए। एंड अब चलते हैं भाई बाहर की ओर। है भैया इधर से एग्जिट। भैया वैसे यहाँ पे और कुछ नहीं है ना, मतलब वो गैलरी के अलावा बस ये सेमेट्री एंड जो सामने नथिंग एल्स, यही है ना। ओके लेट्स गो। काफ़ी थक गया घूम घूम के, क्यों? अच्छा बाश, अब लवी भैया ढूंढते हैं, बाश उठाते हैं, चलते हैं गाइस। वैसे आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी आर्मी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें क्या क्या किया गया था करगिल वॉर में, क्या क्या हुआ था, यहाँ पे भी एक छोटी झलक और उसके बारे में बताया जाता है, तो आप लोग यहाँ पे भी आ सकते हैं। एंड अब जल्दी जल्दी चलते हैं भाई, ले सिटी यहाँ से मैक्स टू मैक्स 5-6 किलोमीटर दूर है, जल्दी चल के रेस्ट मतलब रूम में चलते हैं भाई। एक हमारा दोस्त जो मैं है हर्ष, उसके भी फैमिली रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे, तो उनके यहाँ स्टे करेंगे भाई, जल्दी चलते हैं वहाँ पर, सामान वामान रखते हैं भाई, थोड़ा फ्रेश फ्रेश होते हैं। एंड होपफुली आज शाम को ले सिटी एक्सप्लोर करेंगे, बाकी देखते हैं और क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं आज हम लोग। तो गाइस यहाँ चलने का टाइम हो गया है, एंड जो उस टाइम मैं गाड़ी इस गाड़ी की बात कर रहा था ना, इसका नाम है निसान जोंगा, जोंगा 110 ये सब जो आती है ना, एक जोंगा की एक कार है जो MS धोनी के पास है ग्रीन कलर की, तो वो भी जोंगा है, निसान की गाड़ी है, बहुत पुरानी गाड़ी है, अच्छी लगती है भाई। और ये तो BRDM है, जिसने BGMI खेला है या PUBG खेलता है उसको तो पता ही होगा। योर स्पीड 188 दिखा रहा था मेरे को तो। बस यहाँ से ले भाई 5-6 किलोमीटर दूर है, बस अब जल्दी जल्दी बस वहाँ पहुँचना है भाई। एंड हम लोग अभी ऐसा डिसाइड कर रहे हैं कि सामान जल्दी जल्दी हटाएंगे, अब कब को रखेंगे बाइक से पहचो, एंड सीधा अपन लोग जाएंगे पूरा शहर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, एंड इसके बाद हम लोग कहीं जाके आज रात को रेस्ट करेंगे। एंड एक दो दिन रुकना पड़ेगा, तो हम लोग आज आराम से रेस्ट करेंगे, कल भी रेस्ट करेंगे,
क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, कंटिन्यूस भागा दौड़ी भाई। यहाँ तक आने का सफ़र आसान नहीं था, इस शहर तक आने का सफ़र आसान नहीं है गाइस, आसान नहीं है, बहुत मेहनत की हम लोगों ने यहाँ तक आने के लिए। फाइनली भाई लेह शहर के अंदर घूमते हुए हम लोग अब यहाँ से हमें लोकेशन ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ पे हम लोग रुकना है, बस वहाँ पहुँच जाए भाई, एंड इसके बाद आराम ही आराम गाइस। इतनी क्यूट सी बिल्ली है भैया, मिंट मस्त लग रही है भैया, ऐसे होते जानवर इंसानों के साथ रहते हैं भाई। इतनी फ्रेंडली है गाइस, अभी हम लोग जो कांड हुआ वो सब छोड़ो यार, पहले लोकेशन चेक करो गाइस, क्या मस्त सीन आ रहा है, मजेदार। तो भाई लोग हम लोग होम से पहुंच गए, भैया के घर पे हम लोग रुक गए, थैंक्स टू हर्ष भाई यार, उनकी वजह से, उस भाई की वजह से, उनका कोई फ्रेंड है, उनके बड़े भाई लगते हैं, तो वो यहाँ पे काम करते हैं, तो उनका एक घर है, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, फालतू में जो स्टे करना चाहिए हम लोग घर में रुक जाओ, ज़्यादा से रहेगी, बहुत दिन हो गए ना इधर उधर भटकते भटकते होटल में भटकते भटकते, एक दिन में थोड़ा सा कम से कम बजट बचेगा अपना। एंड जो वीडियो थी आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और ऐसे मज़दार व्लॉग में। जो कल का वीडियो होगा ना वो उधर आगे कहीं पर मैं अभी ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा, एक हिंट देता हूँ, एक स्तूपा है और बस स्तूपा है ठीक है, उसका एक वर्ड लगता है वो मैं नहीं बताऊँगा, वो हम लोग कल देखने आएंगे, मतलब कि जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें आपको मिलेगा देखने को ठीक है। तो तब तक वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार व्लॉग में, तब तक लिए राइड हार्ड राइड सेफ एंड बाय बाय। एंड हाँ, मज़ा है कि नहीं मज़ा है प्लीज़ कमेंट करना भाई, सपोर्ट करना यार, बहुत मेहनत लगी आज गाड़ी चला चला, बहुत कुछ जगह घूमी हम लोगों ने। एंड सामने हम लोगों के एयरफोर्स स्टेशन है भाई, इधर एयरप्लेन से सब कुछ खड़ा रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है इधर ठीक है, मैं और भी दिखा देता हूँ हम लोगों को, इधर अंदर भी खड़े हुए हैं, इधर अंदर भी खड़े हुए हैं, इधर फाइटर प्लेन सब कुछ खड़ा रहता है ठीक है गाइस। तो अब आप लोगों को अगर मिलते हैं अलविदा करते हैं भाई ठीक है, मिलते हैं किसी और ऐसे मेरे तरफ लोगों को, तब लिए सपोर्ट करते रहें ठीक है, चलो बाय। लुक एट द व्यू यार, शाम के 8:30 के आसपास हो रहा है, ब्राइटनेस मैं हल्का सा कम करता हूँ, अब देखो गाइस क्या सिनेमैटिक सीन लग रहा है ना गाइस, ये देखो पूरे शहर की लाइट चल रही है, काफ़ी सुंदर सा मौसम लग रहा है। सोचा कि माना कि वीडियो ख़त्म हो गई थी, बट सोचा कि ये पार्ट आपको दिखा दूँ क्योंकि कल नहीं देख पाऊँगा दिखा पाऊँगा। और इधर सामने बर्फ वाले पहाड़ दिख रहे हैं, इधर ही बर्फ वाले पहाड़ दिख रहे हैं, मैं ज़ूम आउट कर दे रहा हूँ, क्या सुंदर सीन है यार, और ये लाइट्स का सीन कितना सुंदर है, मज़ेदार ना, बस यही होता है मज़ा, गाइस मज़ा आ गया।